तो बेटा फिर एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज की हमारे क्या रहने वाले हैं टॉपिक, आपने जैसा कि थंबनेल देख ही लिया है, CBSE के पिछले कुछ सालों में आने वाले अच्छे प्रश्न जो कि 12th क्लास में फिजिक्स में पूछे जाते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों को करने से पहले बेटा मैं चाहूँगा कि आप लोग, और आज मैं तीन ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, मजे की बात है सिर्फ तीन ही क्वेश्चन है, आप उन तीन क्वेश्चन को देखें क्योंकि आप लोगों ने अभी चैप्टर्स काफ़ी पढ़ लिए होंगे, किताबें खंगाल ली होंगी, कम से कम एटलीस्ट एक से दो तीन चैप्टर भी पढ़ लिए होंगे। तो आप इन इलेक्ट्रोस्टेट का मैं फिलहाल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टेट जो कि एक या दो चैप्टर में आता है NCERT की बात करें तो आपको उसमें से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ तीन क्वेश्चन, और मैं नहीं दे रहा हूँ ये CBSE ने बेटा दिए हैं, या तो सैंपल पेपर में दिए हैं उन्होंने या फिर उन्होंने बोर्ड के पेपर में दिए हैं। और मैं आपसे चाहूँगा कि बेटा आप एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है पहला क्वेश्चन, ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज +5 μC +5 चार्ज है इज इनिशियली एट रेस्ट, वो स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो स्टार्टिंग में रेस्ट पर है एट द पॉइंट x=30 cm, 30 cm डिस्टेंस पे पोजिशन है ये, x=30 cm पे वो कहाँ है, रेस्ट पर है स्टार्टिंग में इनिशियली ऑन द x एक्सिस, द पार्टिकल बिगेंस टू मूव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज q, तो पार्टिकल है इस q चार्ज की वजह से मूव करने लग रहा है, q चार्ज की प्रेजेंस की वजह से ये पार्टिकल मूव करने लग रहा है, दैट इज कैप्ड फिक्स्ड एट ओरिजिन, ये वाला पार्टिकल कहाँ है बेटा, इसे फिक्स्ड कर रखा है ओरिजिन पे, जैसे कील वील ठोक दी हो ना उस पर चार्ज दे दिया उस तरीके से। फिर कह रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है क्योंकि ये तो रेस्ट पर रहेगा जब फिक्स है, तो इसका तो निकाल सकते, इसकी निकलेगी पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट हैज़ मूव्ड 15 cm फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन, अगर ये पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजिशन से जो कि 30 थी उससे 15 cm चलता है तब आपको निकालनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी। और इसमें दो पार्ट हैं, अगर ये जो q आपने रखा है ये 15 + 15 μC हो या फिर ये q -15 μC हो, तो बेटा आप करने की कोशिश करें और फिर नहीं तो हम कराते हैं, वीडियो पॉज करने की कोशिश करें। चलिए मैं समझता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन किया होगा और अब देखते हैं बेटा हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, और ध्यान से समझना इसका कॉन्सेप्ट, समझना ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का कॉन्सेप्ट, बेटा इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखो फिजिक्स में आपका सबसे पहला काम क्वेश्चन को सॉल्व करने में होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा समझ में आया ठीक, नहीं आया कोई बात नहीं, कोशिश करो उसे डायग्राम बनाने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे डायग्राम बनाने की। कह रहा है एक पार्टिकल है वो 30 cm पर रखा है एक्स एक्सिस पे, तो पहले मैंने बेटा एक्स एक्सिस बना दी इस तरीके से, सपोज ये है आपकी एक्स एक्सिस, ओरिजन मान लीजिए यहाँ पर रहा होगा, ये है ज़ीरो ओरिजन ओ, अच्छा ओ पे कौन रखा है आपका क्यू रखा है, ठीक है छोटा क्यू कहाँ पे है, ये जो स्मॉल क्यू मान देंगे इसको, ये रखा है 30 पे, मान लीजिए ये ज़ीरो ये 10 ये 20 ये 30 ये 40 ये 50 इधर -10 इस तरीके से। तो इनिशियली बेटा जो ये अगर मैं इसको छोटा क्यू मान लेता हूँ तो बेटा ये कहाँ रखा है 30 पे, इनिशियली ये यहाँ पर रखा है जिसे मैं छोटा क्यू मान रहा हूँ, ठीक है। और ये कैसा है बेटा, ये नेचर में कैसा है पॉजिटिव, तो इसको हमने पॉजिटिव मान लिया, ऐसा पॉजिटिव है ऑल राइट। अच्छा ये बड़ा क्यू हमने यहाँ रखा हुआ है, बड़ा क्यू कैसा होगा, उसमें दो पार्ट हैं, उसे हम लास्ट में जाके चेंज कर लेंगे, दो पार्ट है ओके, प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, ठीक। चलिए पहले मैं पहले पार्ट को करके देखता हूँ बेटा, अगर पहले पार्ट को मानेंगे तो ये जो क्यू रखा है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है सर। अब आप बताएं बेटा स्टार्टिंग में इस वक्त पे ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है स्टार्टिंग में, इस वक्त ये रेस्ट पर है, फिर क्या हुआ जैसे ये रखा ये फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड, इसे कील पे ठोक रखा है समझ लो, जैसे इसे छोड़ा भागेगा, कहाँ को भागेगा आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो बेटा ये भागेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है सर इस डायरेक्शन में भागेगा ओके। अच्छा अब कहाँ, जब ये कहाँ हो जाए उस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब ये 15 cm मूव कर जाए, अब 15 cm भी उधर को मूव करा होगा, इनिशियल पोजीशन ये थी 30, 15 cm जो इधर जाएगा तो ये कहीं यहाँ कहीं पहुँच जाने वाला है, देखो बेटा ध्यान से इस जगह पे जब पहुँचा होगा जो कि कितनी डिस्टेंस है 45 पे है ना, भाई यहाँ से 15 अगर आप आगे जाओगे तो 45 ही बचेगा ना,
ठीक। तो जब ये 45 पे पहुंचा होगा तब जाके इसकी इस काइनेटिक एनर्जी स्पीड, नहीं काइनेटिक एनर्जी से पूछिए वो पूछ रहा है। तो बेटा सबसे पहली बात, इसमें मास नहीं पता, वेलोसिटी नहीं पता, तो आप ये सिंपल से यूज़ करें, आप अपनी वर्क और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करें। आप उसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अब हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो बेटा इसकी इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस होगी, रिपेल, देखो जब भी चार्जेस रिपेल करें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है जब भी चार्जेस रिपेल करें, तो हमने प्लस लिख लिया। क्या होने वाला है ये के, के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 9×10^9 होती है ना, के क्यू वन, के क्यू वन, क्यू टू, क्यू टू ये हो गया बाय आर, ये आर है स्टार्टिंग में, देखो ये है आर, दोनों के चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ये है आर, इसे हमने आर वन बोल दिया, ठीक है। आर वन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, वही तो हमें निकालनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर से फॉर्मूला वही है के क्यू क्यू बाय, अब की बार आर की जगह आ जाएगा आर टू, क्योंकि अब की बार डिस्टेंस बेटा ये आर वन थी, अब की बार आर टू ये होगी, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँच गया होगा इस जगह पे पहुँच गया होगा, तो ये आर टू है, ये आर टू है, दिस इज आर वन। बस अब ख़त्म है बेटा, आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालनी है, आप देखेंगे तो इधर जाके सब्सट्रैक्ट होगा, तो क्या होने वाला है के क्यू क्यू ओवर आर वन माइनस के क्यू क्यू ओवर आर टू। कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है, निकाल लो कॉमन, जो भी कुछ कॉमन है बेटा कॉमन निकाल लो, आप देखेंगे के क्यू क्यू कॉमन बचता है, आपका ब्रैकेट बचता है 1/R1 - 1/R2। बस अब बेटा कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आपका निकल गया, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन ख़त्म, आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बेटा, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म क्वेश्चन, बिल्कुल ख़त्म। क्या करना है आपको पता होना चाहिए बेटा, K की वैल्यू 9×10^9, Q की वैल्यू ये दे रखी है देखो 15 माइक्रोकुलाम करेंगे तो क्या करेंगे 10^-6 इंटू, ऐसे ही देखो ये क्या है छोटा Q, ये है 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रो का मतलब 10^-6 कर देने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है R1 मतलब ये इनके बीच की डिस्टेंस, ये जीरो पे था, ये 30 मीन्स 30, अब ये 30 सेंटीमीटर है बेटा, 30 सेंटीमीटर है, इसे सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या होगा 10^-2 से मल्टीप्लाई, भाई सेंटीमीटर को मीटर में करें ना माइनस, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा बेटा आर टू 45, तो 1/45×10^-2, ये कुछ लंबी सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, 9×15 = 75×10^-6 - 3 - 6 - 3, और यहाँ क्या बचता है देखो 10^-2 नीचे से कॉमन आ जाएगा, इसे हमने कॉमन ले लिया, क्या बचता है 1/30 - 1/45, आपको इसे सॉल्व वॉल्व करना है, सॉल्व करके बेटा आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा सॉल्व करना है बस, आप इसको आपको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना आपको आता है ले लीजिए, एलसीएम क्या ले लेंगे इसका आप 90, चलिए कर ही देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ, पहले मैं सोचता था आपको दूँ करने को, लेकिन चलिए देखो ये ऐसे चल रहा है, एलसीएम यहाँ क्या आएगा 90, ओके 33 = 93 - 45 - 2 - 3 - 2 क्या होगा 1, भाई 3 - 2 बचेगा ना 1, ओके। अब देखो 9 से गया ये 10 times, ऑलराइट ठीक है, ये 10^2 जब ऊपर जाएगी -2 तो प्लस में हो जाएगी और इसकी पावर माइनस में हो जाने वाली है, क्या बचेगा ये 75×10^-3, 10^2 ऊपर गई तो प्लस में हुई और ये 1 ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस में होगी, कुल मिला के 75×10^-2, 75×10^-2 का मतलब आ गया 0.75, निकल रही कौन है काइनेटिक एनर्जी जूल, जूल में ये आपका बेटा निकल गया, बहुत सिंपल सा, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये होगी।
ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सेकंड पार्ट बच्चे सोचते हैं सर सेकंड पार्ट है, क्यू की जगह अब क्यू और माइनस रख दें, सर यहाँ पे बस इस क्यू की जगह माइनस रख दो, आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बेटा आप गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं होगा, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए बेटा। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ आप मेरे ख्याल में समझ जाएंगे, फिर मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये ओरिजिन पे रखा है बड़ा क्यू जो फिक्स्ड है, ये कहाँ रखा है बेटा 10 20 30 पे रखा है छोटा क्यू, इनिशियली स्टार्टिंग में यहाँ रखा है, और ये तो पॉजिटिव है ही। सेकेंड पार्ट में बेटा क्या हो जाएगा, ये क्यू नेगेटिव, आप इसे नेगेटिव मानेंगे। अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालो जब ये 15 सेंटीमीटर चल जाए, आपकी बार ये जो चलेगा बेटा, क्योंकि वो नेगेटिव है पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, 15 सेंटीमीटर इधर चलने होगा, तो 30 से 15 बैक आया तो बेटा ये फाइनली यहाँ पर पहुँचेगा, जो कि 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे आप। कहाँ पे लेंगे बेटा, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, देखो ये एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है, सारा का सारा यही फॉर्मूला है। अच्छा थोड़ा सा फर्क क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आपको क्यू को अगर आप माइनस क्यू रखेंगे तो माइनस होएगा, यहाँ माइनस रखेंगे तो ये भी माइनस होगा, उधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा उल्टा होएगा। चलो चेंज करते हैं, हम ही कर देते हैं फिर। देखो बेटा होगा फिर से वही, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितनी है 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है के क्यू वन माइनस का क्यू टू प्लस का, तो यानी कि माइनस बन जाएगा ये टोटल, है ना, माइनस क्यू क्यू बाय आर वन। आर वन कितनी है 30 सेंटीमीटर, उसे रख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है, यू कितना है ये भी माइनस में आएगा, के क्यू वन, देखो क्यू वन रखा तो माइनस का हो गया वो, ओके। फिर ये क्यू टू बाय आर, आर कितनी है बेटा यहाँ पे आपकी बार, ये लोगे 15 सेंटीमीटर जो मैं आर टू बोल रहा हूँ, निकालनी ये है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाने वाला है। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल जाएगी, के क्यू क्यू ओवर आर टू माइनस के क्यू क्यू ओवर आर वन। अच्छा कॉमन ऑमन ले लें सर, ले लो कॉमन ऑमन, के क्यू क्यू कॉमन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। बेटा यहाँ बच्चे गलती करेंगे, बच्चों ने ये निकाल लिया, बच्चे गलती क्या करेंगे, अब मैं कहूँगा बेटा वैल्यू रखो, बच्चे वैल्यू रखेंगे लेकिन गलती करते हैं, लेकिन बच्चे गलती करते हैं। क्या, k की वैल्यू तो सबको पता है, अब बच्चे करेंगे इस q की जगह रख देंगे, सर माइनस का रख दो, नहीं बेटा आप माइनस का q यहीं पे रख चुके हैं इस फॉर्मूले में, यहीं पे वैलिड हो आपने रख दिया वैल्यू, तो जो माइनस वाली वैलिडिटी है वो बेटा यहीं ख़त्म हो गई आपकी। अब आप यहाँ माइनस नहीं रखेंगे, आप सिर्फ क्यू की वैल्यू रखेंगे 15 माइक्रो कूलाम। ये क्यू कितना था, आई थिंक ये 5 था, 5 माइक्रो कूलाम। अब ये आर टू कितना हो गया, अब ये आर टू हो गया 15 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन 15 सेंटीमीटर करेंगे तो 10 की पावर माइनस टू। ऐसे ही आर वन कितना है 30 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस टू। आपको बेटा सॉल्व वॉल्व करना है, मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, 9 इंटू 15 5 का कितना हो गया 75, 10 की पावर माइनस 3, यहाँ से 10 की पावर माइनस 2 कॉमन आ गया, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है सर। हाँ थोड़ा सा अंतर यहाँ पे आया, देखो ये अंदर अंदर अंतर आया है ना, हाँ एलसीएम लोगे 30 आएगा, 15 टू ज़ा माइनस 30 से गया वन टाइम, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 बचेगा, 1 अपॉन 30, तो देख लें ये कितना हो गया 9 इंटू 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 15, एलसीएम 30 आया, 2 माइनस 1 यानी 1 अपॉन 30, ओके। अब आप देख पा रहे हैं बेटा 3 से गया 10 टाइम, 3 से गया 25 टाइम, सबको ऊपर ऊपर ले गए, ये कितना आएगा 225 आएगा आई थिंक, ये है ना 250 होता, हाँ ठीक है 225 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 2, कुल मिला के 2.25 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाने वाली है, ये है जब अगर ये नेगेटिव होता, ये काइनेटिक एनर्जी निकली कब, अगर ये पॉजिटिव होता। दिमाग में सोचो बेटा ध्यान से, मैं आपको फिर से बता देता हूँ बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँ आपको।
एग्जाम में आने के चांस रहते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चनों के। और मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर से कम में नहीं आता है, और बच्चा वहाँ गलती कर देता है, बच्चा वहाँ गलती कर देता है बेटा। 3 नंबर से कम वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, या आप इसे वर्क एनर्जी थ्योरम बोल सकते हो, आपकी मर्जी, खत्म। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने माइनस ऊपर ही लगा दिया फॉर्मूले में, के क्यू वन क्यू टू बाय आर होता है, तो क्यू वन माइनस क्यू रख दिया, तभी यहाँ माइनस माइनस आया, ठीक है ना, हो गया। अब बच्चे पता क्या सोचते हैं, ये जब आ जाता है तो सोचते हैं ये माइनस है तो सीधे से माइनस लिख दो, गलत हो जाता है वो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, सोच के देखो, क्योंकि होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मास कभी नेगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो ये बेटा आपका मैं कहूँगा आपका आंसर है, और सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आया हो आप कमेंट कर देंगे, या फिर आप इसे दोबारा देख सकते हैं रिमाइंड करके पीछे से ना। ऑलराइट, चलिए।